हेलो वर्ल्ड, व्हाट्स अप। मेरा नाम है वाइट फ्रीक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी प्रोफेशनल टूल के अपने सीपीयू को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पीसी साफ करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपना साइड पैनल जो होता है ये ओपन करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ नट्स दिए हुए हैं, इन्हें अनलॉक करना है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दो नट्स दे रखे हैं जिन्हें मुझे अनलॉक करना पड़ेगा अपना साइड पैनल हटाने के लिए। इसको आप किसी भी छोटे पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद इसको सबसे पहले दोनों इकट्ठे ही लूज करेंगे और लूज करने के बाद हम इसको संभाल के रख लेंगे अपने पास, ठीक है। इन नट को आपको घुमाना नहीं है क्योंकि बाद में हमें ये यहां पर दोबारा टाइट करने पड़ेंगे। उसके बाद हम बड़े आराम से इसका जो साइड पैनल है उसको पीछे की तरफ खींचेंगे और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा साइड पैनल खुल गया है। इसको मैं यहाँ साइड में रख दूंगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी डस्ट जमा है। इसको दोस्तों पहले निकालने के पहले मैं इसको ऊपर से साफ कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम कोई भी कपड़ा यूज कर लेंगे नॉर्मल और इसकी जो डस्ट है उसको मैं पहले क्लीन कर लूंगा। और अब दोस्तों हमने इसकी डस्ट साफ कर ली है। अब हम इसके ऊपर का ये जो गार्ड है इसको रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है, चार एरोज बने हुए हैं। इनके नीचे हमारे पास अनलॉक करने के लिए कुछ लैचेस होते हैं, उनको हम थोड़ा सा इसको नीचे पुश करेंगे और उसको बाहर की तरफ प्यार से खींचेंगे और ऊपर उठा लेंगे। इनसे क्या होगा, ये चारों आराम से अनलॉक हो जाएंगे। इसको जब आप अनलॉक करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आराम से अनलॉक करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है वो टूट जाए और बाद में फिर वो सेट नहीं बैठेगा। तो उसके लिए बड़े आराम से हम इसको अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। यहां पर पहला, दूसरा एंड यहां से थर्ड हो गया, ये थर्ड एंड यहां से फोर्थ, ठीक है। हमारे पास अब हमने गार्ड रिमूव कर दिया है। कई कंप्यूटर्स में दोस्तों हमारे पास ये गार्ड नहीं लगा होता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली इस तरह फैन आपके सीपीयू के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर आपको लगा हुआ मिल जाएगा, कईयों में ये नहीं दिया होता है। तो अब हम इसको साफ करेंगे। तो इसको साफ करने के पहले हम जो बाकी डस्ट है बाकी जगहों से वो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है, इसको मैं बाहर निकाल के रख दूंगा आराम से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कोई भी प्रोफेशनल टूल्स जैसे कि ब्लोअर्स या फिर वैक्यूम क्लीनर्स टाइप कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है तो हम जिनके पास ज्यादा टूल्स नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। तो आप किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट का यूज ना करें, नहीं तो कैपेसिटर्स होते हैं, कहीं वो अगर शॉर्ट हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको आराम से आप रिमूव कर दें और प्रेफरेबल है कि आप ग्राउंड पर बैठ कर करें, और क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में स्टैटिक चार्ज होता है तो अगर वो स्पार्क करेगा तो हो सकता है हमारे कोई भी जो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो खराब ना हो जाएं, ठीक है। तो प्रेफरेबल है कि आप ग्राउंड पर बैठ के करें, ठीक है। अब यहां से मैंने जितना भी ज्यादा धूल थी वो तो हटा दी है, पर अब इसके अंदर अगर आप जूम करके देखें तो सीपीयू के जो नीचे है, अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर इसमें नीचे कितना धूल जम रखा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फैन है वो घूमेगा तो, पर इसकी जो पूरी की पूरी इनपुट है, ठीक है, एयर जो इनपुट है वो हीट सिंक तक नहीं पहुंचेगी और काफी कम ही हवा पहुंचेगी जिससे हमारा जो पीसी है वो गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले इस धूल को हटा देना चाहिए। अब क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया इसको साफ किए हुए, जैसे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, तो अब मेरे को ये हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सुई ले लेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुई अवेलेबल है, जैसे ये मेरे पास है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई छोटी सुई भी अवेलेबल है तो जो इतनी बड़ी इस साइज की होती है ऑलमोस्ट, वो भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस धूल को निकालते हैं। इस धूल को निकालने के लिए आप बड़े आराम आराम से, ठीक है, धूल को सुई के थ्रू
पकड़ेंगे और ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इससे क्या होगा कि जो आपका पीसी है वो पूरा साफ हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास वैक्यूम क्लीनर या ब्लोअर टाइप का कोई भी मशीन आपके पास है तो आप उसको यूज कर लें, वो बहुत ही जल्दी कर देगा ये काम। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें से कितनी धूल निकल रही है। एक बात दोस्तों कि अगर आपके पास टूल्स हैं, जैसे कि आपके पास अगर कोई लंबे लंबे जो पेचकस होते हैं वो हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इस फैन को इन नट्स के थ्रू यहाँ पर इन नट्स के थ्रू आप इसको फैन को यहाँ से इन नट्स को आप खोलकर यहाँ भी ठीक है ये फैन हटा देंगे। फिर उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो आप फैन उठाकर अलग रख सकते हैं और आप आराम से साफ कर सकते हैं। पर मेरे पास अभी वो लंबे वाला स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एल्यूमिनियम की ये जो हीट सिंक है इसमें से मुझे सुई की मदद से निकालना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने फैन आप देख सकते हैं काफी साफ कर लिया है, ठीक है? पर इसके किनारे भी बहुत सारे रेशे लगे होते हैं। आपको जहां जहां पे इस तरह से धूल नजर आएगी आपको वो क्लीन कर लेनी है, ठीक है? और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, ठीक है? आप जितने भी कैपेसिटर्स आप देख रहे हैं इनसे बचें, ठीक है? और किसी भी टर्मिनल पे हाथ ना लगाएं, बस ऊपर से हल्के हल्के हाथ से आप ये जो है इन्हें साफ कर लें, ठीक है? धूल हटा दें। बाद में आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप रख के किसी बाहर कहीं खुली जगह पे आप इसको अच्छे से फूंक मार के साफ कर सकते हैं, ठीक है? फूंक मारने से क्या होगा कि हमारी जितनी भी धूल नीचे जमी हुई है, ठीक है, मदरबोर्ड पे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं या यहाँ पर, ठीक है, ये साफ हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पीसी है ये यहाँ पर पूरा साफ हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ नीचे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर आप पहले बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, अभी ये पूरा क्लीन है, ठीक है? और यहाँ हमारे सीपीयू में पहले कितनी सारी धूल थी मगर अब ये पूरा साफ हो चुका है, ठीक है? ये जो दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम का हीट सिंक है, ठीक है, ये प्रोसेसर से हीट लेकर उसको एटमोसफेयर में डिसिपेट करता है। पर क्या होता है अगर इस पर धूल जम जाती है ना, तो जो पंखा है उसकी जो हवा है वो इस हीट सिंक तक ठीक से नहीं पहुंचेगी और इससे जो हीट है वो ठीक से ये डिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि हमें इसको कुछ ना कुछ इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे इसको साफ कर लेना चाहिए, ठीक है? उससे क्या रहता है, हमारे जो प्रोसेसर की हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है और हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, ठीक है? तो दोस्तों बस अब इसका जो मेरे पास फैन गार्ड था मैं इसको असेंबल कर लूंगा। इसको असेंबल करने के लिए हम इसको रखेंगे और पहले इसका चेक करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से है, ठीक है? इसमें हमें नीचे इस तरीके से ये दो ये दे रखे हैं, ठीक है? हमें इन जो होल्स हैं इनके साथ अलाइन करना है, ठीक है? इन होल्स में अलाइन करने के बाद इसको मैं सिंपली बस नीचे हल्के प्यार से पुश कर दूंगा और ये इसका हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चारों कॉर्नर्स में आपको बराबर प्रेशर देना है और जब भी बंद कर रहे हैं तो इसको ऑल्टरनेट तरीके से बंद करें, यानी एक बार ये वाला तो उसके ऑपोजिट ऑल्टरनेट, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो हमारा ये गार्ड है इसके प्लास्टिक पे किसी भी एंगल पे जोर नहीं पड़ेगा और ये टूटेगा नहीं, ठीक है? तो ये हो गया है और अब इसका जो पैनल था मैंने ये भी साफ कर लिया था पहले ही। अब हम इसको दोबारा से लगाएंगे। इसको लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये हुक्स है, इसको यहाँ पर अलाइन करना है इसके साथ और इन पर रखने के बाद, इस तरह रखने के बाद इसको आगे हम आराम से स्लाइड कर देंगे, ठीक है? अब जो मैंने नट्स खोले थे बिगनिंग में उसको मैं लगा लूंगा, ठीक है? नट्स का पोजीशन आपको दोस्तों याद रखना है कि आपको नट्स भी लगाने हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कई दोस्त हैं जो नट खो चुके हैं अपने, ठीक है, तो वैसी गलती हम नहीं करेंगे, हम नट्स को संभाल के रखेंगे, ठीक है? नट को हल्का सा टाइट कर दें और आपको ये याद रखना है कि आपने कितने नट्स लगाए थे, ठीक है? उससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसको मैं यहां से टाइट कर दूंगा।
अब दोस्तों मैंने इसको पूरा यहाँ पे जितने भी नट्स मैंने इसको खोले थे वो बंद कर लिए हैं, और इसके ये पोर्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं। हमारे पास जो ये वाला पोर्ट है, ये हमारे पास है ईथरनेट पोर्ट, इसमें हमारे पास ईथरनेट केबल लगेगा। ये हमारे पास यूएसबी 2.0 वाले यूएसबी पोर्ट्स हैं, ये ब्लू आप देख सकते हैं, तो ये है यूएसबी 3 पोर्ट्स, ठीक है। ये एचडीएमआई केबल के लिए है, अगर आपके पास एचडी डिस्प्ले है उसके लिए। ये हमारे पास वीजीए पोर्ट है, इसका नट गुम गया, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको ध्यान से आपको अपने सारे नट संभाल के रखने हैं। और ये हमारे पास माइक का पोर्ट है, ये हमारे पास लाइन इन, और ये हमारे पास है स्पीकर आउट का पोर्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस तरीके से। अब जो इसकी बाहर की केसिंग है, इस पे भी हल्का सा धूल है, इसको मैं कपड़े से साफ कर लूंगा, किसी भी टेरिकोट के कपड़े से, ठीक है, जिसमें जो जिससे फाइबर ना निकले। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।